हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके एक नए ब्लॉग में। जय मुरलीधर, जय माता जी। तो अभी वापस मैं आया हूँ घर पर। आज है वैसे सैटरडे और अभी सुबह से ब्लॉग की जो है शुरुआत की है मैंने। अभी तो आज तो ज़्यादा काम है, अभी तेल निकालने के लिए भी जाना है, तो वहाँ पर भाई जाएगा, मैं भी शायद जाऊँगा। और वो मशीन तो कब चालू होगा, आऊँ आगड़े में तो मशीन तो कब चालू होगा वो तो नहीं शायद दिखा पाऊँगा, क्योंकि फिर घर पर भी काम है, तो सब मैं दिखाऊंगा। आप ब्लॉग पर बने रहे, आज तो ब्लॉग पता नहीं कितना आएगा, छोटा सा भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी सुबह के बजे हैं 8 और सुबह सुबह मैं ट्रैक्टर रखा है यहाँ पर, वो जो मूंगफली का तेल निकालना है ना, तो आज जा रहे हैं। वैसे तो हम हर साल OGPA में जाते हैं, लेकिन आज मूँगफली थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ट्राली ली है। भैया वो सब अभी डाल रहा है, और सुबह का माहौल है, ठंडी भी है अभी। तो भैया एक ही पूरा बाज का जो है उठा लेता है आराम से। बाकी जो यहाँ पर दो बाज के थे वो भी ले लिए हैं, अभी भैया निकलेगा और पापा भी जाएंगे। बाकी यहाँ पर अभी साफ सब कर दिया है, ड्रम वगैरह यहाँ पर ही रखे हैं। ये ट्राली के पार्ट ये हैं जो ऊपर लगाते हैं हम डबल, और ट्राली के ऊपर, ताकि ट्राली में ज़्यादा हम भर सके। बाकी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब ये साफ़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले जे रहा था वो भी हमने बेच दिया है, यहाँ पर था उसमें था उसमें था, अभी सब कुछ साफ है। लेकिन थोड़ा तो सामान पड़ा ही होगा हमारे यहाँ, पूरा खाली नहीं होगा। इसमें ड्रम होंगे, थोड़े से में गेहूँ होंगे, थोड़े खाली होंगे। और बाकी एक चीज़ जो है वो खरीदी है, वो तो वेट करने के लिए ख़रीदा है, ये वजन काटा। अगर जीरे का हम वेट करते हैं ना तो हमें पता चलता है कितना होता है, इसलिए खरीदा है। इतना कोई वैसे महंगा ये आता नहीं है, इसलिए खरीद लिया छोटा सा। तो पहुंच गए हैं हम यहाँ पर, यह गांव पास ही आ गया है। बस यहाँ पर यह जो घाना है सिस्टम, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो तेल निकालने का वो। तो हम तीनों भाई और पापा और चाचा आए थे खेत पर, यहाँ पर दवाई लग रही है, जीरे वाला खेत है ना, तो इसमें ये सब है जीरा, बहुत अच्छा हो चुका है। वैसे वहाँ पर तो दिख भी रहा है दूर से। यहाँ पर देखो ये है ना, सब साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पर पानी कम पहुँचता है ना वहाँ पर जीरा जल्दी निकलता है, क्योंकि वैसे भी पानी तो कम ही चाहिए होता है। वैसे आधा खेत कंप्लीट हुआ है, एक खेत लंबा है ना, इसलिए अच्छा लगता है, लेकिन ये पंप में तो अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि वजन इतना होता है। यहाँ से कनेक्शन वैसे लगा दिया है यहाँ पर बीच में से, ताकि रचके में पानी देना है। और अभी गेहूँ भी हमारे सूख रहे हैं, तो उसमें भी पानी देना होगा। और पापा और भाई गए हैं हमारे खेत पर, बाड़ी पे, जहाँ से पानी आता है ना वहाँ से, वहाँ पर गेहूँ में खाद डाल रहे हैं,
फिर कल पानी लगा देंगे उसमें। मैं आया हूँ वापस घर पर, बिवाने वगैरह ट्रैक्टर वगैरह अभी यहाँ पर पड़े। पानी आ भी गया, अभी रज का भी सूख रहा था ना तो उसमें पहले दे देंगे, फिर तो गेहूँ में चालू हो जाएगी ना मोटर, तो टाइम नहीं रहेगा। और अभी एनिमल सब यहाँ पर बैठे हैं, और हम वैसे अभी तो रात में भी अंदर ही बांधते हैं, ठंडी पड़ने लगी है, ठंडी हवाएं चलती है, सूरज है ऊपर, अभी तक उसको ऊपर ही बांध रहे हैं। खोड़ दिया था ले इसने, खोड़ भी नहीं खाया है, नंदिनी ने खा लिया। अभी 4 बजे दे रहे हैं हम खोड़, बाकी नया खोड़ आ गया है यहाँ पर इस बार डाला है, वरना हम घर पर डाल रहे थे। यहाँ से डायरेक्ट खिला देंगे, पास में हो जाता है इसलिए। पांदरा तो कई ढमा जाए, हान थी जाए नहीं पावा में। गाजर बेटूगी गया कि मने खबर ने जो तो आयो न, इसमें भी खाद डाल दिया, देखो कितनी सूख रही है, शाम हो जाएगी शायद पिलाने में। उस तरफ मक्का है उसमें भी देंगे। बाकी अभी चाचा मम्मी चाची वो गए हैं खेत पर, वो जो जीरा में हम सुबह में गए थे दवाई लगाने वो वाले खेत में, अरुणा है, अरुणा मीन्स हम क्या बोलते हैं, वो मूँगफली होती है ना जो मूँगफली की सीजन में ज़मीन में रह जाती है, सब तो नहीं निकाल पाते हम, तो वो फिर उग निकलती है पानी देने के बाद, उसको अरोड़ा बोलते हैं, तो वो निकालने के लिए जा रहे हैं क्योंकि फिर वो जीरे में भी दिक्कत होगी इसलिए। और ये जो निकलता है ना, ये मूँगफली हम जो तेल निकलने के लिए जाते हैं तो उसका ये खोड़ बनता है, जो फोतरा वगैरह होता है ना वो, तो ये थोड़ा सा हम लाए हैं क्योंकि ये एनिमल इतना खाते नहीं है, वरना तो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो थोड़ा सा लाए हैं ट्राई करने के लिए। खाएंगे ना तो हमारा ले लेंगे, वरना वहाँ पर ही बेच देते हैं, ऐसा करते हैं। बाकी दादी माँ भी थोड़ा सा जीरा साफ कर रहे हैं उसमें, और जो कंकड़ वगैरह है तो वो निकाल रहे हैं। तो अभी आज का जो ब्लॉग है यहाँ पर ही एंड करेंगे, छोटा सा है ब्लॉग लेकिन आपको अच्छा लगेगा ऐसी आशा है। अभी कल संडे है तो कल भी ब्लॉग ज़रूर मैं बनाऊँगा, सैटरडे संडे मेरे पास टाइम होता है इसलिए 2 ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ। आप कमेंट अच्छी करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, ब्लॉग बनाने में क्या है खुशी मिलती है। बस मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स वॉचिंग। जय जवान जी किसान जय भारत, जय हिंद।